अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं रंगीन सेवइयां। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर के करीब हमने लेना है दूध, 1/2 प्याली लेनी है रंगीन सेवइयों की, 1 कप लेना है चीनी, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम, 2 अदद जेली, 6 अदद केले, 2 से 3 अदद सेब और ये बारीक कटे हुए बादाम। अब एक पतीली में हम दूध गर्म होने रख देंगे और इसके साथ ही दूसरी पतीली में हमने सेवइयों को डाल के फ्राई करना है, भूनना है। मतलब फ्राई नहीं करना, घी नहीं डालना, इसे खाली से भूनना है ताकि इसके अंदर जो अपनी स्मेल होती है वो बाहर आ जाए। और बहुत अच्छी वो स्मेल लगती है, ये अपनी स्मेल में पकेगी। इसमें फिर इसके अलावा कोई इलायची पाउडर या कोई एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस स्टेज पर आके हम इसमें दूध डाल देंगे। और इसके साथ ही हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी सेवइयां जुड़ ना जाए नीचे। बराबर चम्मच चलाएंगे जी। दूध का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, मतलब सेवइयां हमारी पकना शुरू हो गई है और फूल गई है। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी सेवइयां करीबन तैयार है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे। दूध के साथ ही बादाम डालेंगे तो कड़क पान आ जाता है बादाम में, तो वो अच्छा लगता है खाने में। इसके साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। ये तकरीबन सेवइयां हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये सेवइयां ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। आप प्लीज़ एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केले हमने छिलके उतार के इसे दरमियान में से कट कर लिया है और इस तरह से हम इसे 2 पीसों में काट लेंगे। अब एक सर्विंग बाउल लेंगे हम, इसके अंदर एक लेयर सेवइयों की लगा देंगे। अब दूसरी लेयर हम केले और सेब की लगाएंगे। अब इसके साथ ही हम जेली जो हमने पका के रख ली थी उसकी लेयर एक लगा देंगे। इसके साथ ही हम एक और लेयर इसके ऊपर सेवइयों की दोबारा से लगाएंगे। सेब और केले जेली जी। तो हमारी
सेवइयां बिल्कुल तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।